वेलकम फ्रेंड्स, डीके टेक एंड चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट टू के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट वन में होम टैब के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट टू में इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्ड की फाइल में। बहुत से लोग YouTube पे आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताते, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी से इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाला हूँ। सारे ही इसके अंदर ऑप्शन, टेबल्स के शॉर्टकट, पैराग्राफ्स के शॉर्टकट, इंसर्ट में आप कैसे एक ऑनलाइन इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, बार चार्ट, कैसे आप स्मार्ट चार्ट्स इसमें लगा सकते हैं, शेप्स कैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने ट्यूटोरियल पर, जहां पर हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट टैब के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट पार्ट। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट टू में इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने शॉर्टकट तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। क्या है हमारा शॉर्टकट तरीका? विंडो का बटन प्लस आर को प्रेस करेंगे, रन कमांड खुल गया। इसमें हम डालेंगे विन वर्ड winwrd और एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको होम टैब के बारे में, यानी कि जो फ्रंट टैब हमारा ओपन होता है, इसके बारे में बता चुका हूं, और फाइल टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है इसके बारे में भी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट टैब के बारे में सीखते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एडिंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल, 10 ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं इन 10 के 10 ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, तो लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से, कंसंट्रेशन से देखिए, सारे ही ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप अपने वर्ड की फाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना पाएंगे। तो पहला ऑप्शन पे आते हैं हम, पेजेस पे। इसमें पहला है कवर पेज। ये कवर पेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर सारे कवर्स हैं, यानी कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे कोई वर्ड फाइल बनाना चाह रहे हैं, उसका हम कवर पेज, कोई डिजाइन कवर पेज लगाना चाह रहे हैं, तो हम कवर पेज पे क्लिक करके एक अच्छा सा कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, इस पे मान लीजिए हमने ये वाला कवर पेज पे क्लिक किया, तो ये देखिए आ गया खुल के आपके सामने कवर पेज। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं तो छोटे में आपको अच्छे से दिख पाएगा। ये देखिए ये पूरा कवर पेज आ गया। यहां पर अभी कर्सर आप देख पा रहे हो, कर्सर यहां पर ऑन है। डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सबटाइटल, डेट, यहां पर कुछ कुछ चीजें इन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना दिया है जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो ये हो गया कवर पेज के बारे में। अगला है हमारा ब्लैंक पेज। अभी आप देख रहे हो हमारे इसके अंदर दो पेज हैं, हमारी वर्ड की फाइल में दो पेज है। तो ब्लैंक पेज पर अगर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर एक पेज और ऐड हो गया। तो जहां पर हमारा कर्सर होगा उसके जस्ट ऊपर हमारा एक पेज ऐड हो जाएगा। लगता है दो बार क्लिक हो गया है, तो यहां पे हमारे दो ब्लैंक पेजेस ऐड हो चुके हैं, एक ये और एक ये। तो ब्लैंक पेज सिंपल है, कवर पेज सिंपल है। अब नेक्स्ट है पेज ब्रेक। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं। हालांकि ब्लैंक पेज जैसे ही आप अपना वर्क करते हैं वर्ड पे, जैसे ही आपका पेज भर जाता है तो अपने आप नया पेज क्रिएट हो जाता है, तो ब्लैंक पेज लेना कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या काम करता है, पेज ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो कुछ टाइप करने के लिए मैं कुछ पैराग्राफ्स चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। जी हाँ, ये शॉर्टकट आपको हर कोई नहीं बताएगा। इक्वल का साइन RAND, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, 2,4, ब्रैकेट बंद और एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए दो पैराग्राफ हमारे यहां पे जनरेट हो गए। ये 2 और 4 हमने क्या डाला, 4 लाइंस के 2 पैराग्राफ हम अपने वर्ड की फाइल में चाहते थे, तो
फोर लाइंस के टू पैराग्राफ यहां पर आ गए। अब दोबारा उसे उस कमांड को रन करते हैं, उसका साइन आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट 3.8, 8 लाइन के 3 पैराग्राफ, तो 8-8 लाइन के 3 पैराग्राफ आ गए। अब आप सबको दिख रहा होगा कि पेज हमारा काफी भर गया है, मैंने कुछ टाइप नहीं किया लेकिन फिर भी चुटकियों में ये पूरा पेज यहाँ पे भर गया, तो मैं अब आपको इसमें अच्छे समझा पाऊंगा। अब जैसे मुझे 1, 2, 3 पैराग्राफ के बाद इस पेज को ब्रेक करके ये दूसरे जो दो पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे करना है, तो थीम के बाद यहाँ कर्सर पे क्लिक करके मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, तो ये बाकी का सारा ब्लैंक हो गया। नीचे ऊपर 3 पैराग्राफ आ गए और नीचे हमारे 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले गए। इसका मतलब जहां से आपको पेज ब्रेक करना है वहां पर कर्सर को रख के आप सिर्फ पेज ब्रेक की कमांड पे क्लिक करेंगे, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा वहां से। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, टेबल्स, टेबल्स पे क्लिक करते हैं। ये आपको एक ग्रिड व्यू दिख रहा होगा टेबल का, इस पे आप जितने जहां जहां तक आप एरो को लेके जाओगे आपको आपकी स्क्रीन पर टेबल शो होने लगेगी। जी हाँ, अब मैं जैसे इधर बढ़ाता हूं तो कॉलम्स बढ़ जाएंगे, यानी कि ये 8x10 का ये टेबल बन गया। अगर इससे ज्यादा आप कॉलम और रो चाहिए आपको तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके आप नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मेंशन करके ओके करके आप इसमें ला सकते हैं। 5 और 2 डाला हुआ है अभी इसमें, ओके करते हैं तो 5 columns 2 rows इसके अंदर आ गई। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टेबल। अपने हिसाब से आप इंसर्ट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अब टेबल आ गई हमारे पास। जैसे ही टेबल आएगी उसके बाद डिजाइन टैब पर अपने आप आ जाओगे। डिजाइन टैब में क्या है, आप अपने टेबल को डिजाइन कर पाओगे। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, इनके ऑप्शन में आपको बता देता हूं। पहले हम इस टेबल का थोड़ा डिजाइन चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने ये डिजाइन ले लिया इसका, तो आप देख रहे हो कि जो मेन हेडर रो है, हेडिंग वाली लाइन, वो थोड़ा डार्क है क्योंकि यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इस टिक को मैं हटाता हूं तो सारी लाइन एक जैसी हो गई। हेडर रो को मैं हाईलाइट करना चाहूं तो ये हेडर हाईलाइट हो गया। यहां पर बैंडेड रोज पे टिक है, यानी कि बैंडेड रोज मतलब एक रो शेडेड, एक रो ब्लैंक, एक रो शेडेड, एक रो ब्लैंक, इस तरह से ये बैंडेड रोज है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, सारी प्लेन हो गई। इस पर क्लिक किया तो वापस से आ गया। ऐसे ही इसको हटा के अगर मैं बैंडेड कॉलम पे क्लिक करता हूं तो ये कॉलम हमारे एक डार्क, एक शेडेड और एक लाइट आ गया। ये कॉलम और ये ऐसे रोज किस लिए काम आते हैं, जब हमारे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, बहुत लंबी, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं रिकॉर्ड के, तो उसको मैच करने के लिए ये काफी फायदेमंद रहता है कि हमें अगर डार्क वाला रिकॉर्ड देखना है तो हम डार्क लाइन को ही आगे बढ़ाते जाएंगे और लाइट लाइन वाला देखना है तो लाइट लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये इस पे टोटल रो पे, टोटल रो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। ये लास्ट वाली जो लाइन है ये टोटल रो है, ये हमारी अलग हो गई। लास्ट कॉलम पे क्लिक किया तो इसके अलग से हमारे पास ये वाला, आप देखिए नेक्स्ट, ये देखिए टोटल रो, ये टोटल रो आ गई, टोटल रो हट गई। उसके बाद फर्स्ट कॉलम आ गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, लास्ट फर्स्ट कॉलम को हटा के हम लास्ट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। तो जो जो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है वो कॉलम या वो रोज आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो डिजाइन व्यू में इतना ही था, बाकी शेडिंग है, शेडिंग के अंदर कलर्स हैं, जो भी कलर्स आप चाहो पूरी टेबल को सिलेक्ट करके, यहाँ से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद शेडिंग पे जाके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, पूरी टेबल पे वो कलर हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल पे जाके आप बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर पे कर दीजिए तो वो स्टाइल पूरे बॉर्डर पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, अच्छा उसको अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, हम पिक्चर्स। पिक्चर्स का सिंपल है, पिक्चर्स अगर आपको ऐड करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ करता है हमको कि हम अपनी फाइल में कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक पिक्चर उठाते हैं, जैसे कि जैसे इसमें से हम कोई पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई, इसको अब हम यहाँ से राइट क्लिक करके कट करके हटा भी सकते हैं, वापस ऐड भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर से आप समझ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ऑनलाइन डायरेक्ट आप पिक्चर को अपने वर्ड फाइल में लगा सकते हो, आपको पिक्चर को सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे बिंग इमेज सर्च है, इसमें हम कोई भी जैसे कंप्यूटर डालते हैं, कंप्यूटर डाल के एंटर प्रेस करते हैं,
या सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर्स की कुछ इमेजेस आ जाएंगी। ये इमेजेस आ गई, अब इसमें से कोई भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं हम, तो सीधा हमारी वर्ड की फाइल में वो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए फाइल में डायरेक्ट आ गई। तो ऑनलाइन ये पिक्चर मेरे हार्ड डिस्क में नहीं है, ऑनलाइन मैंने इसको सर्च करके अपनी वर्ड की फाइल में लगा लिया। उसके बाद आती हैं शेप्स। शेप्स में काफ़ी सारी शेप्स हैं जो हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप शेप पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये सारे फॉर्मेट से चेंज कर सकते हो अपने वर्ड की शेप को और उनके कलर्स को, उनके आउटलाइंस को, जैसा आप चाहो वैसा आप इसको एक शेप दे सकते हो। ये देखिए काफ़ी कुछ है इसके अंदर, शेप्स के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो आप अपनी वर्ड की फाइल को। ये देखिए 3D के अंदर एक शेप आ गई यहाँ पे एरो की, और आप कोई भी शेप और एक्स्ट्रा और कोई शेप लेके देख लीजिए। जैसे ये शेप लिया हमने, यहाँ पे इसको ड्रॉ किया सिंपल, ये खुल गया फॉर्मेट का ऑप्शन। यहाँ पर हमने इसका फिर से अलग बना दिया, कुछ भी शेप ले ली, उसके बाद इसका कलर चेंज कर दिया, इसकी आउटलाइन चेंज कर दी, और इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। धीरे धीरे करके आपको हर ऑप्शन के बारे में इसमें पता चलता रहेगा, जितना आप डीप जाएंगे हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर भी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ऑप्शन पे, स्मार्ट आर्ट। जी हाँ, स्मार्ट आर्ट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वर्ड के अंदर अपनी वर्ड फाइल को अट्रैक्टिव बनाने का। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑल पे क्लिक है तो अभी सारे ही चीज़ें यहाँ पर लिस्टेड हैं। कैटेगरी वाइज भी आप शो कर सकते हैं, लिस्ट बनानी है तो लिस्ट पे क्लिक करके इस तरह से लिस्ट आएगी, ओके करेंगे, फिर इसका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। डिज़ाइन व्यू के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप जिस डिज़ाइन का चाहते हैं वैसे डिज़ाइन आप ले सकते हैं, जिस कलर का चाहते हैं वैसा कलर आप ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा कुछ इसमें अमेंडमेंट कर दी है तो आप रिसेट कर सकते हैं ग्राफिक्स को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। आप ये चेंज कलर का है, कलर चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद लिस्ट के और भी सारे ऑप्शन हैं, कोई और ऑप्शन ले सकते हैं आप लिस्ट में। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल में बहुत ही अट्रैक्टिव वे में। चलिए अब अगले अगले ऑप्शन पे आते हैं, चार्ट। चार्ट पे क्लिक करके आप काफी तरह के चार्ट इसमें बना सकते हैं, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो इस तरह से जैसे बार चार्ट मैंने लेके क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा बार चार्ट आ गया। उसके साथ में एक्सेल की फाइल होती है जिसमें ये वैल्यू शो हो रही है हमारी। आप इन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आपके चार्ट की वैल्यू चेंज होगी। अब चार्ट की स्टाइल्स हैं, काफी सारी स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल हो गया, इसके चेंजेस कलर है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। तो ये एक अट्रैक्टिव वे है अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो काफी बच्चों को ये पता नहीं रहता कि ये सब चीजें हम कहाँ से यूज करें, तो ये सब इंसर्ट टाइप के अंदर छुपे हुए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, सबको खोल खोल के देखना है। एक हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है, उसको खोलिए, देखिए क्या है उसमें, ठीक लगे तो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। इसका क्या काम है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा स्क्रीन क्लिपिंग। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। अब ये थोड़ा फेडेड हो जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कट हो गया, अपना डायरेक्ट यहाँ पर आके देखिए जितना पोर्शन मैंने कट किया था वो अपने आप आपकी वर्ड की फाइल में पेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एडिंस हैं। एडिंस अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक स्टोर है, विकीपीडिया है, और कोई भी एडिंस आप कर सकते हैं। एडिंस का क्या फ़ायदा होगा, आप जैसे विकीपीडिया खुलेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका विकीपीडिया खुल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जो जो आपकी हेल्पफुल वेबसाइट्स हैं उनको आप एडिंस में डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट वो खुल जाएंगे आपके सामने। आगे है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या है, जैसे मैं एक एक लाइन में इसके अंदर ले लेता हूँ, एक रो, एक कॉलम, एक पैराग्राफ, एक लाइन आ गई। अब इस लाइन को मुझे किसी वेबसाइट से लिंक करना है तो हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर चार ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। यानी कि आपको ये जो आपने सिलेक्ट किया है ये लाइन, ये आपको वेब पेज या एग्जिस्टिंग फाइल से लिंक करनी है, अपने ही डॉक्यूमेंट में किसी और प्लेस पे लिंक करनी है,
जैसे मान लो 1000 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और आपको ये फाइल जो है 800 पेज पे इसका कंटेंट है इस वर्ड के बारे में, तो वो वहां से लिंक हो जाएगा एक ही वर्ड की फाइल में। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, इसे ईमेल एड्रेस पर लिंक करनी है। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग फाइल में करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ब्राउज पेज में करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज पेज है आपका इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये उस पर क्लिक करने पर वही लिंक हमारा ओपन होगा। अगला है कमेंट। कमेंट पे क्लिक करके आप कुछ अपना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल में आपको पूरा वो पेज पढ़ने के बाद कुछ छोटी सी समरी समझ में आई कि इसका ये अर्थ है, तो आप उसको साइड में कमेंट में लिख सकते हैं। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उस कमेंट को पढ़ के समझ लेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो कमेंट हमारी सहूलियत के लिए होता है कि उसको हम छोटे छोटा करके कैसे लिख पाए। ठीक है, ये था कमेंट का ग्रुप। आगे बढ़ते हैं हम हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर से आप नाम से ही समझ रहे होगे, हेडर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, फुटर मतलब नीचे वाला। तो किसी पेज के ऊपर वाले हिस्से को अगर हमें डिजाइन करना है, जैसे हम पेज का नाम लिखना चाहते हैं, पेज नंबर लिखना चाहते हैं, टाइटल के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे ये पेज नंबर 1 है तो यहाँ पे 01 लिख दिया, सेंटर में हमने चैप्टर का नाम लिख दिया और इधर हमने चैनल का नाम लिख दिया। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया, तो अब हमारे सभी पेजेस पे ये हेडर शो होगा, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और भी इसके अंदर ऑप्शन है पेज नंबर, तो पेज नंबर में क्या है, अगर हम इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो अगले पेज को ये नंबर 2 अपने आप बना देगा, हमें उसमें नंबर 2 नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जितना आप डीप जाओगे आपको हर चीज़ इसमें मिलती जाएगी और हिट एंड ट्रायल के मेथड से आप सीखते चले जाएंगे। तो फुटर में भी ये ऐसा ही कुछ है, फुटर में हमारा नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पेज नंबर, टाइटल नंबर, सब्जेक्ट नेम, चैप्टर नेम, सब इसके अंदर हम शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर ये इसके अंदर हो ही गया हमारा सेम। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या क्या है, एक तो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस तरह के आपको चाहिए, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से साइड बार टाइटल का टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे न्यूज़पेपर में आप हेडिंग देखते हैं कॉलम में बना हो रहता है, तो आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स अपने वर्ड के टेम्पलेट पे डाल सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते ही आपको फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं, शेप इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसा भी आपको चाहे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें शो कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट के टाइप, तो काफी कुछ है इसके अंदर भी। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना आप इसमें नई नई चीज़ों पे क्लिक करके देखोगे, उतना नया नया आपको इसमें मिलेगा। इतना सारा मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए शॉर्ट में समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, अपना इसको हम अंडू कर देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर सभी तरह के अल्फाबेट्स की स्टाइल्स हैं, आप कौन सी स्टाइल्स आपको पसंद आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आता है क्विक पार्ट, और ये सब इसके अंदर ही आता है हमारा डेट एंड टाइम, उसके फॉर्मेट, आप कौन सा डेट और टाइम आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंबल। जब बच्चे अपना कोई मैथ का या साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है छोटे छोटे सिंबल्स को ढूंढने में, क्योंकि तो कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास सिंबल्स तो होते हैं लेकिन सभी सिंबल्स नहीं होते, जैसे थीटा है, साइन स्क्वेयर है, कोस स्क्वेयर है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स, अर्थमेटिक सिंबल्स, तो वो सभी सिंबल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर है हमारा पाई इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इजिकल्स टू 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो कोस स्क्वेयर लिखना है तो स्क्वेयर यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक स्क्वेयर वाला ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। अब लेफ्ट एरो से इसके अंदर आएंगे हम स्क्वेयर में, एक और लेफ्ट एरो दबाएंगे तो इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे SIN साइन, इधर आके हम लिखेंगे स्क्वेयर, और फिर बाहर आके हम लिखेंगे थीटा। अब थीटा हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अंदर थीटा जरूर होगा, ये रहा थीटा, तो थीटा यहाँ से ले लेंगे, तो साइंस के थीटा यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन दबाएंगे कीबोर्ड से, उसके बाद लिखेंगे कोस स्क्वेयर थीटा, फिर स्क्वेयर वाली हमें आइडेंटिटी लेनी है तो यहाँ से हम स्क्वेयर वाला ऑप्शन दोबारा लेंगे, दो बार हम लेफ्ट की दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोस, फिर एक राइट की दबा के स्क्वेयर, उसके बाद रिसेंट में हमारा थीटा जो हम यूज़ करते हैं वो रिसेंट में आ जाता है,
नहीं आया तो यहाँ से थीटा यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए वो थीटा जो है स्क्वायर के ऊपर चला गया क्योंकि तो हमने एरो क्लिक नहीं किया था। एक बार एरो पे क्लिक करेंगे, कर्सर बड़ा दिखने लगेगा आपको, उसके बाद आप यहाँ से थीटा प्रेस करेंगे, कहीं साइड में क्लिक कर देंगे तो आपकी इक्वेशन यहाँ तैयार है। इक्वल्स टू असाइन डालेंगे और वन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी इस तरह से मैथ्स की, साइंस की सभी सिंबल्स यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी। इंसर्ट टैब के अंदर जाके लास्ट में सिंबल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको सभी सिंबल और सभी तरीके के अर्थमेटिक, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेटिकल और साइंस से रिलेटेड सभी सिंबल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है, आपको ढूंढने पे सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मैं आपको डिजाइन टैब के बारे में बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 3 में। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई वो जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।